कहिए कैसे हैं आप। हम अक्सर बोलते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, और यही शिक्षा बच्चों को देते हैं। बिल्कुल यही शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। पर मेरी परसों एक फ्रेंड मिली और वो दुखी थी। वो इसलिए दुखी थी कि उसका बेटा सच बोलता है। मतलब हम तो कहा झूठ ना बोलो की शिक्षा देते हैं, सच बोलो, और वो दुखी इसलिए थी कि उसका बेटा सच बोलता है। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज कहना चाह रही है। तो मैंने उसको बोला कि वो क्लियर करो ना कि किस तरह से क्या चीज क्या बात हुई कि लग रहा है कि सच बोलता है और उसको बहुत सिखाने की जरूरत है, बहुत समझाने की जरूरत है, ये बिगड़ रहा है। मतलब अगर सच बोलता है तो वो बिगड़ रहा है, तो रीजन क्या है। तो बातें करते करते हम उसके घर चले गए। तो वहां उसने बताया कि एक बात हो तो बताऊं या तो 100 बातें हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे एक दो ही बता दो, मुझे थोड़ा सा आइडिया तो लगे कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो कुछ दिन पहले मार्केट गए और मार्केट में वो फल खरीदने लगे। फल थे 50 रुपीज के जी। तो उसने बोला दुकानदार को, मेरी जो फ्रेंड है, कि भैया ठीक ठीक लगाओ, ये 50 रुपीज है, सामने वाला तो 40 दे रहा है। तो इतने में जो बेटा था, जो 5th क्लास में पढ़ता है, उसका बेटा अभी अभी 6th क्लास में हुआ है, उसने बोला कि अरे 50 तो दे रहा है वो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मी। तो उसने एकदम से मम्मी को बोल दिया। और मम्मी वो लेडी बोली कि मैं अपना उसका मूल लेके रह गई कि भाई इस तरह से बोलने की क्या जरूरत हुई, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दो। अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल उसने बताया कि घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो इसका जो लर्न कराना था वो मैं इसको पढ़ा नहीं पाई, तो मैंने डायरी में ये लिख दिया, उसकी बेटे की स्कूल की डायरी में, कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब मदर की तबीयत बहुत खराब थी, और तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो अब एक दो दिन में वो लर्न करा दूंगी। ये उसने डायरी में लिख दिया। अच्छा, डायरी जब वो बेटा स्कूल लेके गया और स्कूल में टीचर ने पूछा कि क्या हुआ आपकी मदर को, जैसे होता ही है कि पूछ लेते हैं, तो उसने पूछा, उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं, हम तो पार्टी में गए थे, हमारे घर गेस्ट आ गए थे, हम पार्टी में गए थे। और ये रीजन है कि उसका बेटा बिगड़ गया। बातें और भी बता रही थी तो मैंने उसको शांत करा दिया। मैंने कहा शांत हो जाओ, मैं समझ गई क्या रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप पेरेंट्स हैं, आपको पेशेंस चाहिए, आपको समझने की जरूरत, पेरेंट्स को बहुत समझने की जरूरत है। अब ये देखिए कि मान लीजिए आप सब्जी ले रहे हैं, या तो आप बच्चे को ये बताइए कि भाई बार्गेनिंग होती है, इस तरह से बोलना पड़ता है। और वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दुकानदार को ही बोल दो कि भैया महंगे लगा रहे हो, आप थोड़ी सस्ती कर दो, फिर झूठ बोल रहे हो, या फिर बच्चे को समझाओ कि इस तरह का जब झूठ बोला जाए तो बीच में मत बोलो। मतलब इसमें क्या है कि आपको एग्जाम्पल अपना सेट करना पड़ेगा। मतलब एक तो आप गलत चीज बोल रहे हो, खुद गलत चीज बोल रहे हो, फिर दूसरे से बच्चे को भी बढ़ावा दे रहे हो कि भी बच्चा भी उसको अप्रिशिएट करे या बच्चा बोले। अभी तो उसकी बहुत स्टार्टिंग है और बच्चा बचपन से ये चीजें देखता रहेगा, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब आपने जो दूसरा एग्जाम्पल बताया कि घर में गेस्ट आ गए थे, आपने झूठ झूठ लिख के दे दिया, आप अगर सच लिख के दे देते क्या हो जाता, अब ज्यादा बेइज्जती हुई ना। देखिए, मैं हमेशा एक चीज यही बोलती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत पेशेंस चाहिए होती है। और सही मायनों में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं, उनसे मतलब जो हमारा घर होता है ना, वो हमारी पहली पाठशाला होता है, पहला स्कूल होता है, उसमें बच्चे जो चीज सीखते हैं वो तो कहीं भी नहीं सीखते। तो उनको अच्छा बनाना है या उनको बुरा बनाना है, ये सब हमारे हाथ में है। तो इस चीज को बहुत सोचने की जरूरत है। मैंने इस बारे में कहानी भी लिखी थी, यही सेम टॉपिक था, वो उससे बात करते करते मुझे ध्यान आया, सुधर गई मैं। अब कहानी तो मैंने सुनाई क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर उसका जो मेन क्रक्स है ना, वो यही था कि एक लड़की होती है और पेरेंट्स को बहुत शिकायत रहती है, बिगड़ गई, और सारी बातें यही होती है ऑलमोस्ट कि भाई पेरेंट्स ही जब गलत शिक्षा दे रहे हैं, पेरेंट्स ही जब गलत सिखा रहे हैं, तो नाम ये हो जाता है कि बेटी बिगड़ गई। अब वो ये बात टीचर तक पहुंचती है और टीचर कुछ ऐसा करती है, टीचर कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है कि पेरेंट्स सुधरने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स सुधर जाते हैं, और बाद में वो क्या कहते हैं कि हमारी बेटी तो सुधर गई। सुधरे पेरेंट्स है, बेटी तो हैरान थी, कहती मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जैसी पहले थी वैसे ही, अब वो मेरे को तो कोई चेंज नहीं आया। पर क्या होता है, पेरेंट्स सुधर जाते हैं। इसलिए कुछ टिप्स होती है पेरेंटिंग की, कुछ मतलब हमें अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, ये नहीं कि दूसरा कर रहा है तो करने चाहिए। हमें अपना जो अपने घर का दायरा है ना, उसको देख के कि हमारे घर का एटमॉस्फेयर क्या है और उसको किस तरह के सुधार की जरूरत है, और वो करना चाहिए। और बच्चों के सामने तो हमें एग्जाम्पल बन के सामने आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सोचने की जरूरत है, बच्चे के सामने झूठ ना बोले और झूठ को बढ़ावा ना दें, तो खुद ही सुधरे, बजाय ये कहने की कि बच्चा बिगड़ गया या उसमें
सेंस नहीं है, वो ऐसे बीच में बोलता है, मतलब ये चीजें ना कह के हम अपना खुद खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और अपने आप को सुधार लें, तो बहुत हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आज तो मैं बस यही कहने आई थी, कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।